ये तो अगर तोगड़िया साहब का है तो तोगड़िया साहब ने जो भी बोला अपनी सोच से बोला, बट मेरी समझ से ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की आबादी तो वैसे भी इतनी बड़ी है, हमारे पास मैन पावर तो है, लेकिन हर गवर्नमेंट केवल बड़े बड़े दावे करती, बड़े बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं करता कि अपनी ही मैन पावर को यूज़ करे। चाइना ने अपना मैन पावर यूज़ किया, आज चाइना अपनी जगह पर पहुँच गया, बट हमारे देश में मैन पावर, पहले मैन पावर तो यूज़ करें, बाद में बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, बाद में बच्चे पैदा हो जाएंगे। जब बेरोज़गारी बढ़ रही है उस पर तो कोई ध्यान नहीं है, बच्चे पैदा करने की बात पहले कर रहे हैं। मेरे ख्याल से निःशुल्क ये करने से पहले जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए, उन्हें कुछ सहारा दिया जाए। अगर ऐसे माता पिता है तो उनको कन्विंस करके अगर उन्हें गोद लिया जाए और उनका अगर भविष्य सुधारा जाए तो बढ़िया होगा, मेरी ये राय है। हमारी तो ये राय है, फिलहाल तो हमारे पास है बच्चे 3-4, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देगा? हमको खुद काम धंधा नहीं मिल रहा, हम लोग तो 2 महीने से घूम रहे हैं इधर उधर। बोलो, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? आप सिर्फ बोलते हैं बच्चे पैदा करो, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई वो मालूम है आपको बम्बई में कितना खर्चा पानी है। काम धंधा नहीं मिलता वो बात तो अलग है, आप तो बोलते रहेंगे साइड में हो जाएंगे, लेकिन हमारा क्या? हमारे पास 2-2 बच्चे, लेकिन उनका पढ़ना लिखना कितना ये है ना। मैं इस चीज़ से ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ कि बल्कि किसकी संख्या ज़्यादा होना कम होना उसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है जो भी है। ये गलत है क्योंकि आदमी का अपना खुद का आज़ादी रहती है, कितना बच्चे पैदा करना है क्या करना खुद के ऊपर रहता है, वही करना चाहिए। जो स्टेटमेंट देते हैं गलत देते हैं। बच्चे पैदा करने में हिंदू मुसलमान नहीं देखा जा सकता, VHP नहीं देखी जा सकती। देखना ये है कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हम कितने बच्चों का पोषण कर सकते हैं, हमको देखना जरूरी है और उसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमारी राय यही है, हम पढ़ा लिखा होने के नाते यही सोचूंगा VHP क्या बोलती है नहीं करने का है, मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ, अपने बच्चे पाल सकता हूँ ढंग से, उतने ही पैदा करने चाहिए।